Hello everyone, welcome to your own YouTube channel The Mathemagician Show. Friends, I hope you will be fine. आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आजकल वायरल चल रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे. तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. फ्रेंड्स, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है और ए बी 2550 यानी ए बी का लेंथ 2550 यूनिट्स है, बी सी का लेंथ 2800 यूनिट्स है. हम लोगों को फाइंड करना है ए सी का लेंथ जो कि हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में. एक और चीज़ जो दिया गया है इसमें, एंगल सी का वैल्यू 10 डिग्री है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग ए सी का जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. एक तो है पाइथागोरस फार्मूला का यूज़ करके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. और दूसरा जो है उसको पता कर सकते हैं, यहाँ एंगल 10 है तो इसका मतलब है साइन 10 का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो इस तरह से भी ए सी जो कि हाइपोटेनस है उसका लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का यूज़ करके पता करते हैं. ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी का लेंथ दिया गया है 2550, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस बी सी का लेंथ है 2800, इसका स्क्वायर कर लेते हैं. इसका स्क्वायर क्या होगा, 25 × 26 650 और 25 और 00, ठीक है. 0 है तो 20 यहाँ, 5 है तो 25 ही आएगा और उसके बाद 25 है तो इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये एक ट्रिक है, इस तरह से भी हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं जिस नंबर के आखिर में 5 होता है. उसके बाद 28 का स्क्वायर होता है 784 और 20 है तो 4 × 0, ठीक है. उसके बाद इन दोनों का सम निकालिए, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 0 0 5 2 4 3 4, मतलब 1 4 3 4 2 5 00. ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है. अब बोथ साइड हम लोग रूट डालेंगे, ठीक है. बोथ साइड रूट डालने पे ये हो गया ए सी और ये रूट के बाहर आएगा तो इसका वैल्यू लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा 3787.14932, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स में हम लोग ले लेंगे 3787.15, क्योंकि डिसिमल प्लेसेस दो ही लेते हैं जनरली, इसलिए इतना हो जाएगा ए सी का लेंथ. अभी रुक जाइएगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है. इसमें जो है ए सी का लेंथ हम लोग इतना फाइंड कर चुके हैं, लेकिन एक और तरीका जो कि यहाँ 10 डिग्री दिया गया है, इसके वजह से हम लोग साइन 10 का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे. साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइड अपोजिट टू द थीटा बाय द लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस. तो ए बी बाई ए सी, ठीक है. यहाँ है साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री इक्वल्स क्या होता है 0.1736481776, ठीक है. इसको अप्रॉक्स 2 डेसिमल प्लेसेस में ले लेते हैं तो 0.17 हो जाएगा, ठीक है. अब साइन 10 इक्वल्स ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं, ठीक है. साइन 10 का वैल्यू हम लोग 0.17 लिए हैं, ठीक है. इक्वल्स ए बी का लेंथ हम लोगों को पता है 2550,
भाई ए सी का ही तो लेंथ निकालना है, ए सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए सी यहाँ आ जाएगा, ए सी इक्वल और 0.17 चला जाएगा यहाँ, यानी 2550 बाई 0.17, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद दो अंक है तो ऊपर नीचे दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ 00 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 17 5 जा 85 और उसके बाद 30 यानी 15000। इस तरह से अगर हम लोग निकालते हैं तो एसी का लेंथ आता है 15000 यानी 15000 यूनिट्स में, ठीक है, जो कि दोनों डिफर कर रहा है। दोनों क्यों डिफर कर रहा है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ है एंगल सी 10 डिग्री, तो एंगल सी सबसे छोटा एंगल है इस ट्रायंगल में, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये 80 होगा, तो इसलिए जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा मतलब कितना छोटा, क्योंकि इसका रेशियो यहाँ आप देखिए कि ये और ये, इसका रेशियो जो है सो लगभग लगभग कितना आ रहा है, लगभग अप्रॉक्स 1 आएगा। जैसे देखते हैं 2550 बाई 2800, 00 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो 5 से करेंगे तो 51/56, ठीक है, 51/56 यानी लगभग रेशियो 1 आएगा। मतलब ये है कि दोनों साइड लगभग लगभग अप्रॉक्स इक्वल होगा। अगर दोनों साइड इक्वल होता है, थोड़ा सा ये साइड बड़ा होगा, थोड़ा सा ये साइड छोटा होगा, तो जब दोनों साइड बराबर होता है तो एंगल 45 और 45 का हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा ये बड़ा है, तो थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसलिए ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस एंगल से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आपका 40 डिग्री होगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों एंगल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री का ही डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ 10 डिग्री दिया गया है। तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा कि उसका डायमेंशन ये लेंथ ए बी बी सी का दिया गया हो और एंगल 10 डिग्री हो, ऐसा कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकरेक्ट डाटा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।